गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक आयनिक सॉलिड, जिसके पार्ट नंबर 6 पर हमने चर्चा कर ली। आज पार्ट नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आप लोगों के सामने है, बोर्न हैबर चक्कर। क्या है? बोर्न हैबर चक्कर, जिसको हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमारा बीच में ही रह गया, जिस पर आगे चर्चा कंटिन्यू करते हैं। बोर्न हैबर चक्कर, जिसके अंदर हम कर रहे थे Na की Cl के साथ रिएक्शन, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा करके हम क्या कर रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। NaCl बनाने के लिए इस बोर्न हैबर चक्कर को काम में लिया जाता है, जिसमें Na सॉलिड फॉर्म में होता है, उसका सब्लिमेशन करके गैसीय फॉर्म में लाना, फिर उसके बाद में आयनन विभव के बराबर ऊर्जा देकर आयन में चेंज करना। यहाँ पर क्लोराइड आयनों को, क्लोराइड जो अणु हैं उनको, उनसे क्लोरीन परमाणु प्राप्त करना, उनका डिसोसिएशन करना, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन बंधुता प्राप्त करना, जालक ऊर्जा प्राप्त करना, दोनों के रिएक्शन करके और NaCl बनाना, और इधर से अभिक्रिया ऊष्मा को प्राप्त करना, उससे NaCl का निर्माण होता है, जिसके अंदर हमने सोडियम परमाणु का पृथक किया नंबर 1 पॉइंट, दूसरा सोडियम परमाणु का बनना नंबर 2 पॉइंट, हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं क्लोरीन परमाणुओं का बनना। क्लोरीन परमाणुओं का बनना क्या है? क्लोरीन परमाणुओं का बनना, इस पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो हमारा जो 3 नंबर पॉइंट है वो क्या है, क्लोरीन परमाणुओं का बनना। और क्लोरीन परमाणु जो है वो यहाँ से बनते हैं, ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, जो तीसरा पॉइंट कर रहे हैं। क्लोरीन का एक गैसीय परमाणु जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्लोरीन का एक गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दो गैसीय परमाणु दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, हमें सिर्फ एक ही क्लोराइड परमाणु चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ पर जो हमारे पास में सबसे पहले क्लोराइड आयंस में चेंज करना है, तो उससे पहले हमें क्लोरीन परमाणुओं को बनाना पड़ेगा। क्लोरीन परमाणु को प्राप्त करने के लिए टोटल जो ऊर्जा होती है वो कितनी देनी पड़ती है, 57.8 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, लेकिन हमें तो एक ही क्लोराइड परमाणु चाहिए, तो डिसोसिएशन बटा में 2 क्यों कर रखा है, क्योंकि हमें आधी एनर्जी चाहिएगी, तो हम बटा में 2 करेंगे तो ये 28.9 आ जाएगा लगभग। क्या जाएगा? 28.9 आ जाएगा। तो इसके लिए 28.9 किलो कैलोरी ऊर्जा ही, ऊर्जा की ही आवश्यकता होगी। तो देखिए, हमारे पास 1/2 Cl2 गैसीय फॉर्म में है, और इसके लिए 28.9 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, इतनी ले लेंगे हम, और इसको क्लोराइड आयंस में चेंज कर देंगे, क्लोराइड आयंस में चेंज कर देंगे, और हमने क्या करवाया है, वियोजन करवाया है। क्या करवाया है? वियोजन करवाया है, तो इसके द्वारा हम वियोजन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट होता है क्लोरीन रिनाइनों का बनना, क्लोराइड रिनाइनों का बनना। क्लोराइड रिनाइनों का बनना, तो जो फोर्थ स्टेप होगा वो ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 4, क्लोराइड रिनाइनों का बनना। यहाँ पर एक क्लोराइड आयन एक गैसीय क्लोराइड परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा, और इस प्रक्रम के दौरान वो कुछ ऊर्जा निकालेगा, और वो ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगी, हम उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम दे देंगे। तो किसी गैसीय परमाणु में से
एक किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन देने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आयनन ऊर्जा होती है या आयनन विभवता है। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो सी एन टू गैसीय और एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे करके किसमें चेंज कर रहे हैं, सी एल नेगेटिव गैसीय फॉर्म में, और इसके लिए यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होगी वो हो जाएगी 90.7 किलो कैलोरी। क्या हो जाएगी? 90.7 किलो कैलोरी, इतनी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है उनके आयन बन गए हमारे पास, या एन ए के आयन आ गए या सी एल के आयन आ गए, सोडियम आयन और सी एल आयन, ये आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, एन ए सी एल बनाएंगे, और जब विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करके आयन युग्म बनाते हैं तो इस के दौरान कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है और उस ऊर्जा को जालक ऊर्जा नाम दिया जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 5 हो जाएगा, और इसको हम पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड आयन युग्मों का बनना, क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड आयन युग्मों का बनना, सोडियम क्लोराइड आयन युग्मों का बनना। तो सोडियम के आयन है हमारे पास और क्लोराइड के आयन है, वो आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के दौरान NaCl की फॉर्मेशन करेंगे और साथ में कुछ ऊर्जा बाहर निकालेंगे और उस ऊर्जा को नाम दे देंगे जालक ऊर्जा। तो यहाँ पर Na गैसीय फॉर्म में पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव गैसीय फॉर्म में रिएक्शन करेंगे और NaCl बना देंगे और प्लस कुछ ऊर्जा बाहर निकालेंगे और वो ऊर्जा 180.4 किलो कैलोरी हो जाएगी, और उस ऊर्जा को नाम दे देंगे जालक ऊर्जा, उस ऊर्जा को नाम दे देंगे जालक ऊर्जा। तो इस तरीके से हमारे पास सारे स्टेप कंप्लीट हो गए। उसके बाद में 6 नंबर स्टेप जो है वो ये है, क्योंकि हमने ये निकाला है क्यू बराबर एस प्लस आई प्लस डी बाई टू माइनस ई माइनस यू जीरो। अब देखो ये किसको शो कर रहा है, विक्रिया ऊष्मा को। कहने का मतलब है इधर वाली सारी ऊर्जाएं इलेक्ट्रॉन आयनन विभव जो भी है इन सब का योग अभिक्रिया ऊष्मा के बराबर होता है, जो हमारे पास सब्लिमेशन एनर्जी है, हमारे पास आयनन विभव है, डिसोसिएशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता और जालक ऊर्जाओं का जो योग होता है वो अभिक्रिया ऊष्मा के बराबर होता है। अगर इस अभिक्रिया ऊष्मा को भी इसमें टोटल कर दिया जाए तो सभी ऊष्माओं या ऊर्जाओं का जो योग होता है वो शून्य के बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ पर माइनस क्यू सब्लिमेशन कितना है हमारे पास, उधर देखो आप 118 प्लस अब देखिए यहां पर
एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आपके पेपर में या तो जालक ऊर्जा को पूछा जाएगा या इस बोर्न हैबर चक्र को पूछा जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये बोर्न हैबर चक्र ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आप इसको याद करने का तरीका, आप इस चक्र को अट्ठाईस पॉइंट नौ है ही, और इलेक्ट्रॉन बंधुता 90.7, और ये यहाँ पर आ गई 180.4, और ये आप निकाल ही लोगे, याद करने की आवश्यकता नहीं है। इतने इस चक्कर को याद कर लीजिएगा, आपका ये पूरा बोर्न हैबर साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ से यहाँ आप क्या बना रहे हो, सोडियम परमाणु को पृथक कर रहे हो, कर सकते हो आप आसानी से, गैसीय फॉर्म में लिए सोडियम परमाणु का बनना, यहाँ से आप सोडियम परमाणु बना रहे बना सकते हैं। क्लोराइड रिनाइनों का बनना, क्लोराइड परमाणुओं का बनना, क्लोराइड रिनाइनों का बनना, दोनों की रिएक्शन होकर के आयन युग्मों का बनना, और जिसके लिए जालक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो फिर इन सब का टोटल कर लो, तो आप इतना एक साइकिल कर लोगे ना, इतना एक साइकिल कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। मतलब आप आसानी से ये चीज़ कर सकते हो, फिर स्टेप वाइज आप लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था बोर्न हैबर। के जो अनुप्रयोग हैं उनकी बात करते हैं हम, तो अगला टॉपिक आता है बोर्न हैबर चक्कर के अनुप्रयोग। बोर्न हैबर चक्कर के अनुप्रयोग, इसके लिए हमने एक जो एग्जाम में ली थी माइनस क्यू बराबर एस प्लस आई प्लस डी बाई टू माइनस ई माइनस यू नोट, इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं हम। इस इक्वेशन का यूज करके अपने आसानी से बोर्न हैबर चक्र के अनुप्रयोग कर सकते हैं। पहला है जालक ऊर्जा को अज्ञात करना, जालक ऊर्जा को ऊर्जा को ज्ञात करना। के द्वारा एक एक के लिए फॉर्मूला बनाएंगे करेंगे अपने। तो सबसे पहले जालक ऊर्जा ज्ञात करना, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ लेकर आना पड़ेगा, बराबर से इधर लेकर आओगे तो प्लस का हो जाएगा एल एस प्लस आई प्लस डी बाई टू और माइनस ई, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। तो ये इक्वेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जालक ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ये इक्वेशन अगर यूज कर ली जाए तो हम जालक ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो जालक ऊर्जा का ज्ञात करना, क्योंकि जनरली क्या होता है, जालक ऊर्जा को नेगेटिव में ज्ञात किया जाता है, नेगेटिव की फॉर्म में लेते हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे भी निकाल सकते हैं। साइन ही तो चेंज करना है हमें, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता को ज्ञात करना,
बस फॉर्मूले बनाने हैं हमें, बाकी तो हमें पता ही है कि हम बोर ने बरचक्कर से क्या क्या ज्ञात कर चुके हैं। उदरपात ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जालक ऊर्जा, विक्रिया ऊष्मा, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं हमने उस समीकरण, एक समीकरण। बस इस समीकरण को ध्यान में रखिए और इस समीकरण को ध्यान में रख करके हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करना, सामान्य विधियों द्वारा इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करना क्या होता है, कठिन होता है थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, बोर्न हैबर चक्र को काम में लेते हैं। बोर्न हैबर चक्र को काम में लेकर इलेक्ट्रॉन बंधुता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अपने। जैसे इसी फॉर्मूले से इस ई को ज्ञात करना, इधर लेकर आएंगे प्लस का हो जाएगा एस प्लस आई प्लस डी बाई टू माइनस यू, और क्यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बोर्न हैबर चक्कर के द्वारा इलेक्ट्रॉन बंधुता को ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर फॉर्मूले के अंदर लगभग क्या होती है, जालक ऊर्जा को नेगेटिव में ही रख रहे हैं, क्योंकि जालक ऊर्जा को ज़्यादातर नेगेटिव में ही रखते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं प्रोटॉन बंधुता ज्ञात करना। प्रोटॉन बंधुता भी ज्ञात कर सकते हैं अपने। कोई भी अणु है वो प्रोटॉन के साथ जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, एसिड बनाता है। तो इसके दौरान कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास P बराबर डी प्लस आई प्लस ई माइनस ई माइनस यू जीरो प्लस क्यू। इसके द्वारा हम प्रोटॉन बंधुता ज्ञात कर सकते हैं। ये तीन मुख्य अनुप्रयोग थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अनुप्रयोग की। बड़ा अनुप्रयोग है, इसको साफ कर देती हूँ मैं, स्टार्टिंग से करते हैं अपने। आयनिक यौगिकों का पूर्वानुमान लगाना, आयनिक यौगिकों का पूर्वानुमान लगाना। अब कौन सा आयनिक यौगिक बनेगा उसका अनुमान जो होता है वो पूर्व में ही लगा सकते हैं। जैसे MgO, MgO क्या एक स्थायी यौगिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या एक स्थायी यौगिक है, और Mg को Mg प्लस टू आयन में बदलेंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिएगी अपने को, और Mg प्लस टू रो नेगेटिव जब जुड़ेंगे तो कुछ ऊर्जा मुक्त होगी और वो क्या हो जाएगी, जालक ऊर्जा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको टू स्टेप से करते हैं। Mg से Mg प्लस टू का बनना, Mg से Mg प्लस टू का बनना। Mg क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं Mg प्लस वन, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इसके लिए आई पी वन जो जाएगा वो 737 किलो कैलोरी मोल इन्वर्स हो जाएगा, मोल इन्वर्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है और Mg प्लस टू में चेंज हो गया तो 737 किलो जूल मोल इन्वर्स। अब हम क्या करेंगे, Mg प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे और Mg प्लस टू में चेंज हो जाएगा और आई पी टू का मान जो है इसके लिए ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा, 1450 किलो कैलोरी मोल इन्वर्स।
तो टोटल आईपी कितनी हो गई, 7, 5 और 3 8 और 11 और 2187 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, यानी Mg में से एक इलेक्ट्रॉन निकला Mg प्लस, इसके लिए आई पी वन का मान 737 और Mg प्लस एक इलेक्ट्रॉन Mg प्लस 2 आई पी टू का मान 1450 किलो कैलोरी, आई पी का मान टोटल कितना हो गया 2137 किलो जूल किलो कैलोरी, सॉरी यहाँ पे हम किलो जूल मोल इनवर्स लिखेंगे क्योंकि किलो कैलोरी सीधा लिख देते हैं, मोल इनवर्स लगाएंगे तो किलो जूल मोल इनवर्स है भाई। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना। फिर हम क्या करेंगे, ओ से दूसरी कंडीशन हम यह रखेंगे, ओ से ओ टू नेगेटिव का बनना, ओ टू से ओ टू नेगेटिव का बनना ये बनाएंगे। अब ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा उसको, क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो ओ नेगेटिव, ओ में एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ओ नेगेटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए ई वन का मान कितना हो जाएगा, -142 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में ओ टू नेगेटिव को एक इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं और ओ टू नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो ई टू का मान, पहला मान नेगेटिव में आ रहा है, दूसरा मान क्या हो जाएगा, 772 किलो जूल मोल इनवर्स। टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको माइनस करना पड़ेगा, 772 में से 142 माइनस करेंगे, 0, 3 और 4 तो प्लस का 636 किलो जूल मोल इनवर्स इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, Mg तीसरी कंडीशन, Mg प्लस 2 व O2 नेगेटिव से MgO का बनना। अब दोनों से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, Mg प्लस 2 और प्लस O2 नेगेटिव, सात आठ तीन ग्यारह, 6 × 7 = 8 × 2 28 17 टोटल तो ये होगी ऊर्जा, लेकिन इसके अंदर ये भी काउंट होगी, 7 × 2 = 9 4 × 5 = 6 9 और 2 29 59 टोटल एनर्जी इतने इतनी यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पर बनना और ये सब तो करते हैं, लेकिन इसके लिए जो जालक ऊर्जा होती है वो 3192 किलो जूल इन मोल इनवर्स होती है, मोल इनवर्स, क्योंकि जब इन आयन को करेंगे ना तो इतनी आयनों से हम क्रिस्टल बनाएंगे, आयनों से हम क्या करेंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, और आयनों से जब क्रिस्टल बनाते हैं तो जालक ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, और जालक ऊर्जा जो मुक्त होगी वो कितनी हो जाएगी, 3192 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा मुक्त होगी। लेकिन जब हमने Mg से Mg प्लस 2 बनाया या O से O2 बनाया तब इतनी ऊर्जा खर्च नहीं हुई थी, इससे कम ऊर्जा खर्च हुई थी। इसके द्वारा बोर्न हैबर चक्कर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जालक ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्रोटॉन बंधुता और कोई भी आयनिक यौगिक के स्थायित्व का
पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। तो इस चक्कर का जो उपयोग करते हैं, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, क्यू का मान नेगेटिव आता है, और क्यू का मान नेगेटिव आएगा वो उतना ही ज़्यादा सही होता है। अभिक्रिया ऊष्मा की फॉर्म के रूप में क्यू को